जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। मेरा एक मंथ का भी सैलरी आप काट लेते हो तो मुझे इस बात की खुशी होगी। हमारे देश के हित में मुझे सोचना मेरा फर्ज बनता है और मैं भी सोचता रहूँगा। मेरे देश के लिए मैं जब चाहे मेरी बॉडी भी डोनेट करूँगा। मैं सबसे पहले मेरे देश के हर नागरिक को धन्यवाद करता हूँ और हमारी सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ जो बहुत समस्याओं से गुजरते हुए हमारे देश का ख्याल रखते हुए आज उन्होंने 21 दिन का लॉगआउट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और देश की सुरक्षा को देखते हुए, देश के लोगों के बारे में सोचते हुए ये चीज़ उन्होंने फैसला लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, क्योंकि अच्छा ही हमेशा अच्छाई की राह पे जो चलता है उसको हमेशा सफलता मिलने में आसानी नहीं होती, मुश्किलें मुसीबतें बहुत आती है, पर बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं प्रेजेंट हालत में मेरी ड्यूटी पे हुआ अभी राजस्थान में बाड़मेर में, तो मेरा 6-7 महीने से जो सैलरी रोका था वो सैलरी मुझे अभी काट दिया गया था, मतलब दे नहीं रहे थे मुझे, और मेरी फाइट चल रही थी और मैंने कोर्ट में भी उस तरह डिसीजन लिया, कोर्ट में भी गया, नोटिस भी भेजा, बहुत कुछ चीज़ें चली। तो प्रेजेंट हालत में मेरी कल ही सैलरी मुझे रिलीज़ किया गया। सैलरी देने के बाद मैं सरकार से एक फिर से एक बताना चाहता हूँ कि मेरे जो 6-7 महीने से जो सैलरी आपने पूरा अमाउंट दिया है मुझे, उसमें से अगर मेरी कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी हमारे देश में फैली हुई है, अगर उसमें से मेरा एक मंथ का भी सैलरी आप काट लेते हो तो मुझे इस बात की खुशी होगी। हमारे देश के हित में मुझे सोचना मेरा फर्ज बनता है और मैं भी सोचता रहूँगा। मेरे देश के लिए मैं जब चाहे मेरी बॉडी भी डोनेट करूँगा, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ही अपील कराया, जो अपील किया था मैंने, जो भी लेटरबाजी किया था, इसलिए मुझे बहुत चीज़ों से संघर्ष करना पड़ा, पर चाहे कुछ भी हो थोड़ा लेट हुआ, पर मेरी जो सफलता थी उसको मुझे सफलता मिली। और मैं फिर से एक ही चाहूँगा सरकार से कि मेरा जो एक मंथ का सैलरी होगा उसमें से अगर काट लोगे सैलरी तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। इसलिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।